गाजीपुर में दिखने लगा भारत बंद का असर। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे किया जाम। भारत बंद को सफल बनाने में जुटे आंदोलनकारी किसान। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप, आज से 900 से ज्यादा बूथों पर किया जाएगा टीकाकरण। बुजुर्गों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे वॉलंटियर। आगरा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार युवक को कुचला। हादसे में गई युवक की जान। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय आगरा ने की बड़ी कार्रवाई। 700 करोड़ का फर्जी कारोबार चलाने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। सीबीएसई आयुक्तालय की प्रवर्तन टीम ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गाजीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद है। आंदोलनकारी किसान भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। इसी के साथ ही दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता किसानों ने जाम कर दिया है। वहीं किसान भारी संख्या में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बैठे हुए हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किसानों के जाम के मद्देनजर रखते हुए रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में किसानों का आज भारत बंद है। किसानों ने भारत बंद का ऐलान आज किया है और असर दिखना शुरू हो गया है। देश के तमाम इलाकों में, तमाम राज्यों में, तमाम हिस्सों में इस भारत बंद का असर देखा जा रहा है। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों ने आज ये भारत बंद का आह्वान किया है और जगह जगह देश के अलग अलग कोने पे इसका असर देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें, दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर प्रदर्शन किसानों का साफ तौर पर देखा जा रहा है जगह जगह। इसीलिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनसे साफ तौर पर स्थिति आज की दिन में क्या कुछ होने वाला और क्या कुछ अभी हो रहा है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी है, चाहे वो लाल किला पर हो, दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर हो, या देश के किसी भी कोने में हो, पंजाब में हो, सब जगह सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। साथ ही बता दें, दिल्ली के तमाम ऐसे सीमाएं हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान जरूर किया है, लेकिन इसमें जरूरी सेवा से जो जुड़े लोग हैं उनको छूट दी जाएगी। बाकी सभी चीजें आज बंद रखने का ऐलान किया गया है और ऐसे में भारत बंद का असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और कई विपक्षी पार्टियों का किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही कई छोटे व्यापारी संगठन और कुछ छात्र भी किसानों के इस आंदोलन में आज जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बस आज का तो एक ही आह्वान है कि भारत बंद। भारत बंद का मतलब है संपूर्ण भारत बंद। पूरे देश भर में अच्छी सूचनाएं हैं कि आज 6 बजे से भारत बंद का है। उसमें जो भी संगठन सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू है। उत्तराखंड में पूरी तरह से सफल हो, इस तरह से क्या कुछ भूमिका आपने निभाई है? वहाँ पे सारे व्यापारिक संगठनों से, सारे ट्रांसपोर्ट संगठनों से बातचीत होकर, और आज सुबह 6 बजे से ही वहाँ पर पूरी तरीके से मजबूती से भारत बंद चल रहा है। क्या वहाँ से किसान इधर भी आ रहे हैं? नहीं, वहाँ से किसान इधर नहीं है। आज का कार्यक्रम चल रहा, हम लोग रोड पर बैठे हैं। आज भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा, शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। आवश्यक सेवाएं बहाल करके रखी हैं। आप देख रहे हैं बगल से पूरा सिस्टम बना रखा है, जहाँ भी एम्बुलेंस है और दूध, सब्जी, फूड चेन सप्लाई, और हमारे जो फायर ब्रिगेड की है, मिलिट्री वाहन है, या विदेशी पर्यटक अगर यहाँ से निकलते हैं तो उनको भी सम्मान निकाला जाएगा। बकाया 4 बजे तक आज भारत बंद रहेगा। मार्केट भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर जिले में, हर कस्बे में आज हमारे आंदोलनकारी रोड पर हैं, और जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार लग रहा है कि व्यापारी भाइयों ने भी बड़े पैमाने पर हमें सपोर्ट किया है। आम जनता ने भी आज बेहद कम, अति आवश्यक ही निकलने का मन बनाया है, जैसा देखने को मिल रहा है। इनका सबका भी आभार है। आज बड़ा असर देखने को मिलेगा इस भारत बंद का, किसानों के समर्थन में देश खड़ा होगा। चलिए, गाजियाबाद से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, गाजियाबाद में कितना असर देखने को मिल रहा है?
देखिए दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद जिसका यूपी गेट इलाका है, जहां पर ये किसान लगभग 10 महीनों से लगातार बैठे हुए हैं और आज जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है, किसान सुबह से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे। शाम 4 बजे तक ये भारत बंद रहेगा। हालांकि जो गाजियाबाद है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो व्यापारियों ने सभी दुकानें सभी मार्केट खोली है, लोगों का भी आवागमन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस खासतौर से एक्टिव है और उसी के लिए गाजियाबाद, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, वो भी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। बात कर लेते हैं यूपी गेट की, जहां पर किसान मौजूद है। किसानों ने लगातार जो दिल्ली से गाजियाबाद को आने वाला रोड है यानी फ्लाईओवर, वो पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। हालांकि इस जो कि जाम लगाया गया है, जो कि ये बंद किया गया है, इस बंद का असर देखने को मिल रहा है, जो कि जो मरीज है जो दिल्ली जाते हैं जिनको रेफर किया जाता है उनको खासा परेशानी भी हुई है। कई एम्बुलेंस है जो कि रोकी गई थी, हालांकि उन एम्बुलेंस को अब रास्ता दे दिया गया, क्योंकि मीडिया वहां मौजूद है, मीडिया एक एक चीजें अपने कैमरे में कैद कर रही है। और तो किसान भी ये जान चुके हैं कहीं इस चीज का कहीं गलत प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक सोच ना हो जाए लोगों की इसको लेकर। जो लोग हैं वो ये अब चाहते हैं कि इस तरीके की कोई घटना ना हो, कि हमारी नकारात्मक सोच लोगों की हो जाए हमारे प्रति। हालांकि लोग ये जान चुके हैं कि किसानों का जमावड़ा लगातार जारी है, बिल्कुल जितेंद्र, और इसीलिए काफी आज किसानों के इस भारत बंद को देखते हुए कई रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कई रास्ते पूरी तरह से बंद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर ली जाए तो वहां भी चक्का जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। तो गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले या नोएडा जाने वाले कौन कौन से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए आपको बता दें कि ये जो कि रूट डायवर्जन की बात अगर की जाए तो लोग अब अच्छी तरह से जान चुके हैं, क्योंकि 10 महीने लगभग हो चुके हैं किसानों को यूपी गेट पर डटे हुए जमे हुए, लेकिन अब लोग अब अपना वैकल्पिक रास्ता चुन चुके हैं। वैकल्पिक रास्ते की अगर बात की जाए तो आनंद विहार कौशाम्बी अड्डे पर पहुंचकर आनंद विहार से सीधा एंट्री दिल्ली पर हो जाती है, सिंहपुरी बॉर्डर से भी दिल्ली में एंट्री हो सकती है, गाजीपुर बॉर्डर माफ कीजिए जो जो पीछे की रोड पड़ती है इंडियन एयरफोर्स की जो रोड पड़ती है वो वजीराबाद रोड कहलाती है, वहां से भी दिल्ली में आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से खुले हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपी गेट पर 10 महीने से बाधित किया हुआ यातायात, उसके लिए वैकल्पिक रास्ता लोगों ने अब चुन लिया है, जो कि रूट डायवर्जन की अगर बात की जाए तो रूट पहले से ही डायवर्ज है। बिल्कुल जितेंद्र, रूट तो लोगों को जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि विकल्प लोगों ने पहले से चुन लिया है, लेकिन भारत बंद के आह्वान को लेकर जो लोग एक्टिव होने चाहिए थे वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आप बात कर लेते हैं विपक्षी पार्टियों की, कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए, ये सभी पार्टियां किसान के भारत बंद का आह्वान का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष है। अब विपक्ष लगातार बिल्कुल जितेंद्र, विपक्ष तो मौका ढूंढता है कि किसी भी तरह सरकार को घेरा जाए, और यही इस बार मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष पिछले काफी समय से सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, और इस बार विपक्ष को फिर से मौका मिला है बीजेपी घेरने का, और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव है, भारत बंद का पूरा समर्थन कर रहा है, किसानों का समर्थन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात कांग्रेस की बात की जाए, बात एलएलडी की किया जाए या पार्टी की किया जाए, सभी के कार्यकर्ता लगातार भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है किसानों का समर्थन करें, जबकि बीजेपी कहा जा रहा है गाजियाबाद के लोग हैं वो बीजेपी का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, और यहाँ पर जो भारत बंद के लिए कहा गया किसानों की तरफ से उसकी यूं कहें कि कोई ऐसी नहीं नजर आ रही है कि अगर मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, पूरी तरीके से खुली हुई है और लोगों का आवागमन भी लगातार जारी है। यानी कि जितेंद्र, असर ज्यादा गाजियाबाद में नहीं देखने को मिल रहा है, गाजियाबाद में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद के लोग अब आम ये बात हो चुकी है कि बिल्कुल जिस तरह से बीते 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, अब लोगों को इस आंदोलन की आदत हो चुकी है, लोगों को पता है कि कभी भी किसान कहीं भी घेराव कर सकते हैं, कभी भी चक्का जाम कर सकते हैं, तो लोगों को अब इस तरह से जीने की आदत पड़ चुकी है। देखिए ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग अब आदि हो चुके हैं इस चीज के, लोग जान चुके हैं लगातार यूपी गेट पर किसान डटे हुए हैं,
लोग ये भी जानते हैं किसान लगातार कभी भी करने को उग्र करने को तैयार हो जाते हैं, लोग ये भी जान चुके हैं भारत बंद कई बार किया गया है, लेकिन करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां हालांकि सक्रिय होती हैं, विपक्षी पार्टियां सक्रियता दिखाती हैं, लेकिन भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, अब लोग भी जान चुके हैं कि अगर किसान अपनी बातों पर डटे हुए हैं, इन्हें लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी को और ना बढ़ाया जाए, भारत बंद का पूरी तरीके से समर्थन नहीं करता, सक्रिय रहता है, लेकिन लोग अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं कि हमें अपने काम को पूरी तरीके से करना है ठीक से। जो भारत बंद के लिए कहा जाता है तो उसको बिल्कुल भी लोग नहीं मानते हैं, और जो खासतौर से गाजियाबाद है वहां पर पूरी तरीके से मार्केट खुली हुई है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत बंद का असर गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दिन अपडेट आज आपसे मिलेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया है, कहीं पर इसका असर देखा जा रहा है तो कहीं पर नहीं देखा जा रहा। गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो गाजियाबाद में असर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन देश के कई इलाके, कई क्षेत्र, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बंद का ऐलान साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी किसानों के जाम को मद्देनजर रखते हुए रूट भी कई जगह के डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हालांकि अगर दिल्ली, गाजियाबाद या आसपास के इलाके की बात कर ली जाए तो वहां के लोग जो हैं वो पहले ही विकल्प ढूंढ चुके हैं। ये चार तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, आज भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया है और ऐसे में असर भी देखने के लिए मिल रहा है। कई जगहों पर दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, जबकि जगह जगह पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार शूट आउट हुआ था उसको देखते हुए, और 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन लाल किले पर देखने को मिला था उसे देखते हुए भी अब सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। चलिए दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों ने यह भारत बंद का ऐलान किया है और इसका असर कितना देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली में और कैसे अभी हालात हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, किसानों ने आज 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था। उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो हरियाणा के कुछ बॉर्डर हैं जो बिल्कुल जाम कर दिए गए हैं, पूरे टोल टैक्स पे किसान अपने अपने गांव से निकल गए, किसानों ने डेरा जमा लिया है, जिससे पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए, पंजाब हरियाणा के जितने भी बॉर्डर है उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है किसानों ने। जो ट्रेन की आवाजाही है उस पर असर पड़ रहा है, पूरी ट्रेन के ट्रैक है उस पर किसान जो है आ गए हैं, और जो ट्रेनें हैं वो काफी देर से जो है स्टेशनों पर 3-3, 4-4 घंटे से खड़ी हुई है। जी बिल्कुल नीरज, और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, वो कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है और कौन कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली के अंदर जितने भी बॉर्डर हैं, जैसे नरेला से सिंगू बॉर्डर वाला जो रोड है वो सिंगू बॉर्डर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, उसके अंदर प्याऊ मनिहारी वाला जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, जो छोटे व्हीकल है उनको डाइवर्ट करके जो है अपने स्थान पर पहुंचाया है। और अगर बात गुड़गावा की जाए तो गुड़गावा के अंदर इस टाइम इतनी जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा जाम कर दिया गया, उस पर चेकिंग की वजह से जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर का जाम जो है पूरे गुड़गावा हरियाणा और के अंदर लग गया है, जिससे लोगों को काफी इस टाइम ऑफिस जाने का टाइम है, लोग अपने घर से निकले हुए हैं मगर ऑफिस में पहुंचने के लिए भी उनको 2-3 घंटे का रास्ता जो है वो वेटिंग करना पड़ रहा है जाम की वजह से। और अगर मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कुछ मेट्रो स्टेशन है, जैसे रिठाला वाली लाइन है जो ISBT और की तरफ जाती है, और जो रोहिणी सेक्टर 18 से गुड़गावा की तरफ लाइन जाती है वो पूरी की पूरी तरह इस टाइम ब्लॉक कर दी गई है, क्योंकि वहां बॉर्डर पे गुड़गावा बॉर्डर पे जाम के कारण देखा जाए तो उसके मद्देनजर ये स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल नीरज, और जिस तरह से देखिए किसान बीते काफी समय से 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच कई बार ये चक्का जाम भारत बंद जैसा आह्वान किया जा चुका है, तो ऐसे में अब आज लगातार देखिए किसान ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक भारत का बंद का ऐलान किया है, शांतिपूर्वक करेंगे, तो क्या स्थिति अभी शांतिपूर्वक नजर आ रही है या फिर कुछ और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी मैं आपको बता दूं, अभी तक जो प्रदर्शन चल रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, हरियाणा के कुछ बॉर्डर है, पंजाब के जो बॉर्डर है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जो जितने भी किसान है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल प्लाजा जितने भी है उनको सबको ब्लॉक कर दिया गया है, और अगर रेलवे की बात की जाए तो पूरे ट्रैक पे जो है पंजाब हरियाणा के अंदर इस टाइम किसान आ चुके हैं, और जिसके मद्देनजर जो ट्रेनें हैं वो 3-3, 4-4 घंटे की देरी से चल रही है, और उनको स्टेशन जो नियर स्टेशन पड़ता है उस पर ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे सवारियों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात आजादपुर मंडी की या दिल्ली के अंदर सब्जी की जाए तो आज की तारीख में बॉर्डर सील है, उससे क्या है सब्जी
जो खपत है उस पर काफी असर पड़ रहा है। जो सब्जी के रेट है वो बिल्कुल टूट चुके हैं। इस टाइम मंडी की अगर बात की जाए तो ये भारत बंद के चक्कर के अंदर किसानों के आंदोलन के उसमें जो इस टाइम मंडी है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, और जो मंडी के अंदर जो आड़ती है वो इस टाइम काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको भी इस भारत बंद से। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के, लगातार पूरे दिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ऐसे में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। दिल्ली में साफ तौर पर इसका असर देखा जा सकता है। गाजीपुर में, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज का दिन कितना शांतिपूर्वक रहता है या कितना नहीं रहता, ये शाम को 4 बजे या आने वाले कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि शाम 4 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान किया गया था। 4 बजे के बाद फिर से नॉर्मल चीजें हो जाएंगी जिस तरह से पहले थी। हालांकि देखिए अभी भी भारत बंद के ऐलान के दौरान भी कुछ चीजें बंद हैं, लेकिन जरूरी सेवा से जुड़े जो लोग हैं, जरूरी चीजें जो हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है, उन्हें पूरी तरह की छूट दी गई है। देश में कोरोना जैसी भीषण महामारी से निजात दिलाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके तहत आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 990 से ज्यादा बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा और हर बूथ पर औसतन 553 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही बुजुर्गों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर वॉलंटियर भी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में कोरोना से निजात पाने के लिए जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान बड़ी अच्छे से और बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, उसी तरह राजधानी लखनऊ में भी मेगा वैक्सीनेशन का शुरुआत की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। 991 बूंदों पर यह वैक्सीनेशन किया जाएगा और ऐसे में इस मेगा वैक्सीनेशन में कई बूथों का सहारा लिया जाएगा और हर बूथ पर 500 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी बुजुर्गों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर वॉलंटियर लगाए जाएंगे। तो बता दें ये आज से लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। हालांकि देश में जनवरी के महीने से ही बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और ऐसे में अब राजधानी लखनऊ में भी इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत हो रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। रूबी, जिस तरह से इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की जा रही है, क्या ये कैंप शुरू हो चुका है आज से और कितने लोग इसमें अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, राजधानी में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि अभी भी बहुत से लोग छूट चुके हैं जो अभी तक जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ यूपी सरकार ने एक फैसला यही दिया था कि पहले तो उन्होंने कहा था कि दरवाजे से कैंप लगवा दिया जाएगा, डोर टू डोर कैंप, एक गाड़ी होगी उसमें एक टीम रखी जाएगी, उस टीम को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब नई तैयारी की जा रही है जिसमें 991 बूथों पर किया जाएगा टीकाकरण और हर एक बूथ पर औसतन जो माना जा रहा है कि लगभग 500 से 600 लोग पहुंच सकते हैं, यानी कि टीका लगवा सकते हैं। अब एक अलग से भी व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए अलग से सुविधा केंद्रों पर भी इंतजाम किया गया है, जो पहुंच नहीं सकते उनके लिए वेंटिलेटर का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ जो चेयर होती है उनके लिए इंतजाम किया गया है बुजुर्गों के लिए, यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब टीकाकरण जो है वो हर एक बंदे को लगेगा। और कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए एक आसपास के कॉलोनियों में एक बैनर भी लगाया जा रहा है जिसमें ये लिखा गया है कि अपने पास के बूथ में जाए और वहां पे टीकाकरण करवाए। बिल्कुल रूबी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए यूपी के कई जिलों से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि टीकाकरण तो हो रहा है केंद्रों पर, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति को दो दो तीन तीन बार टीकाकरण उनका हो रहा है। वैक्सीन कई बार लगाई जा रही है, चाहे वो मेरठ से हो या फिर कोई और जिला हो, जालौन हो। मेरठ से भी बीते दिन ऐसी खबर आई थी कि एक व्यक्ति को 5 बार कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। देखिए, एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बचे हुए हैं, जो किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, वो
वहां पर पहुंच सके और वैक्सीन लगवा सके, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ मामले ऐसे निकल के जरूर आए हैं। हालांकि इस मसले में पूरे देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन इसीलिए ही किया जाता है कि आपका पूरा एक ब्यौरा दर्ज किया जाता है और उस ब्यौरे में यही लिखा ही जाता है कि आप कहां से हैं, क्या नंबर है, क्या नाम है, मोबाइल नंबर दर्ज करवाया जाता है। लेकिन कई जगह पे ऐसे रजिस्ट्रेशन भी फेल माने जा रहे हैं जहाँ पे लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाए लेकिन वो नाम दर्ज नहीं हो सके, और इस दरमियान जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे ऑलरेडी उनको जब टीकाकरण किया गया और उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन से इसी बात को लेके नहीं हो पाया कि मेरा टीकाकरण ठीक होया है या नहीं हो पाया है। अब कुल मिला के देखा जाए 24 घंटे में, अभी लखनऊ के अगर से बात करते हैं तो लखनऊ में कोरोना की जो मौतें पहले निकल के आती थी अब शून्य हो चुकी है। कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो कैंप का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने के लिए जरूर एक हथकंडा अपनाया गया है, लेकिन कई जगह ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि एक व्यक्ति को दो दो बार लग चुका है लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो अभी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं की जो कि सरकार को अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को और मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस वजह से रूबी कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो भी ज्यादा संख्या में हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना की जो गिरावट थी, पहले तो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की अगर हम से बात करते हैं तो 11 मामले अभी कल के लेकर आज तक में आए थे, फिर 24 घंटे की जो मौतें थी, जो आंकड़े निकल के आए थे उसमें भी इनको शून्य दिखाया गया। कुल मिला के जो मौतें निकल के आई थी पूरे उत्तर प्रदेश की 22,890 के करीब में निकल के आई थी। तो पॉजिटिव भी जो जिनको टीका लग चुका है वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा मामला भी दर्ज आया है कि जो कोविड और को वैक्सीन में ही अलग अलग जो वैक्सीनेशन नाम दर्ज करवाए गए हैं उसको लेकर भी कई की भ्रांतियां फैली हुई है कि लोगों को ये भी मानना है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोग स्पुतनिक का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अभी भी लोगों का इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि सही और सुचारू तरीके से टीकाकरण मिल सके ताकि जो एक बार फिर से जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उस पर विराम लग सके। जी चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत होने जा रही है जहां पर 990 से ज्यादा बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा और हर बूथ पर औसतन 553 लोगों का टीकाकरण होगा। उसी के साथ ही बुजुर्गों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर वॉलंटियर भी लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों का यूपी दौरा जोर शोरों से चल रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ के दो दिन के दौरे पर हैं। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी। बता दें यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठकें भी करेंगी और इसी के साथ यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगी। तो ऐसे में प्रियंका गांधी एक बार फिर आज से दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर है जहां पर वो कई बैठकें करेंगी और ऐसे में चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय नजर आ रही हैं। आपको बता दें अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी और ऐसे में यूपी कांग्रेस में कई प्रकोष्ठों की बैठक भी करेंगी। चलिए लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, प्रियंका गांधी का आज से दो दिवसीय लखनऊ दौरा है, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे? पारुल, लखनऊ में दो दिन से अब यहाँ पे उनका डेरा जमाया जाएगा प्रियंका गांधी का, यानी कि दो दिन के दौरे पे नजर आई है और अब पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में जो शामिल होगी यानी कि प्रियंका गांधी के जो कार्यक्रम है वो पहले से ही फिक्स करे हैं। कल रात में ही कांग्रेस दफ्तर जो है वहाँ पे बैठकें को लेकर काफी सुबगाहट से देखने को मिल रही थी। जो पुराने कार्यकर्ता थे जो पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले इनके खास नेता जो थे वो सब पहुंचने शुरू हो चुके थे। सुबह से ही यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक होगी जिनमें प्रियंका गांधी शामिल होगी और यूपी कांग्रेस की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे जिसमें कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं उनके जितने भी कर्मठ और पार्टी संगठन को मजबूत करने वाले जो कार्यकर्ता होंगे सभी को शामिल किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने पहले भी लखनऊ में भी बहुत टाइम पहले भी ये ऐलान जरूर किया था कि जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ को बार बार आना पड़ेगा लेकिन संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है।
हाल ही में अभी उन्होंने लखनऊ में दौरा किया था, लेकिन अब जो आज दो दिन का जो दौरा इनका है वो काफी खास माना जा रहा है। जी चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज से लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी। यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक भी करेंगी। इसी के साथ यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा भी प्रियंका गांधी करेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।